आम आदमी पार्टी ने कहा 17 नवंबर को जनता भाजपा के कुशासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। अब की बार भाजपा की हालत बेहद पतली है। भाजपा के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद ही चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। हम पूरी ताकत के साथ एमपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि जनता हम पर भरोसा जताएगी और हम चुनाव जीतेंगे। पंकज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार की ताबूत में कील ठोकने की तारीख तय हो गई है। 17 नवंबर को निकम्मी और हर मोर्चे पर नाकाम भाजपा सरकार को हराने के लिए जनता आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह तो तय है कि भाजपा सरकार जाने वाली है, ये भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को भी पता है, इसलिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। हमने देखा कि किसान भाइयों पे इसी भाजपा सरकार के काल में गोलियां भी चली, आत्महत्याएं भी देखने को मिली। युवा जब रोजगार मांगने भोपाल आते हैं तो उनपे डंडे बरसते हैं, इंदौर पे डंडे बरसते हैं। महिला अत्याचार के मामले में ये प्रदेश कई वर्षों से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में नंबर वन पे आता जा रहा है। कुपोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपोषण आहार पे घोटाला होता, तो ऐसी कई घटनाएं प्रदेश के अंदर आप देखने को मिली इनके शासनकाल में। मैं समझता हूँ उस पर अंकुश लगेगी और चुनाव आयोग ने इस ताबूत पे कील ठोकने का काम किया है और जो तारीख चुनाव की डिक्लेयर हुई है 17 तारीख मध्य प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनके झूठे वादों से, इनके जुमलों से उसको मुक्ति चाहिए। पंकज सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई, अब जब चुनाव करीब आने वाले हैं तो लाडली बहना के नाम पर 1,000 रुपए देकर उनके वोट खरीदने की कोशिश में सरकार जुट गई। पंकज सिंह ने कहा कि भाजपा ध्यान रखे कि 20 सालों में एमपी की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है, अब की बार जनता उसके झांसे में नहीं आने वाली। भाजपा कितना भी प्रलोभन दे, कितने भी बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भाजपा के सभी वादे और दावे हवा हवाई हैं। अब की बार जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताने वाली है। जो कहती है सोच समझ के कहने में, आप देख रहे होंगे कि कई राज्यों में ये वादे होने लगे कि बिजली फ्री मिल जाएगी। ये लाडली बहना जो आई है पंजाब में, पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम 1,000 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे जो 18 वर्ष से ऊपर की है, तो उसकी नकल है। ठीक है, नकल की जाए, उस पर अकल भी लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह ये बजट भी सुधार लेते अपना, जो बजट कर्जे पे दिन चौगुनी उन्नति की ओर बढ़ रहा, कर्जे की ओर जा रहा है, तो इसको भी सुधार लेते। तो ये मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, जनता को मजबूत विकल्प मिलेगा और दूसरी पार्टियों को भी मजबूर होकर अच्छे लोगों को टिकट देना पड़ेगा, सोच समझ के वादे करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।